हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बेसिक क्या, इसकी कैसे हमें फंडामेंटल क्या कॉन्सेप्ट है, इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो मेथड ऑफ चार्जिंग होने से पहले आपसे यह बात जानना जरूरी है, आखिरकार चार्जिंग होता क्या है। तो चार्जिंग बच्चों होता है, एक तरह से प्रोसेस होती है चार्ज को ट्रांसफर होना, मतलब चार्ज का ट्रांसफर होना। डैट मीन्स कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस यदि चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो उसी को हम चार्जिंग बोलते हैं। हेडिंग लिख सकते हो आप कि चार्जिंग होता क्या है बच्चों, तो लिखना कि चार्जिंग जो है बच्चों हमारा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर ऑफ चार्ज वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज चार्जिंग। क्या लिखोगे बच्चों? चार्जिंग मतलब सीधा सीधा मात क्या है कि चार्ज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस यदि ट्रांसफर कर दो तो इसी को हम क्या कहते हैं? चार्जिंग कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स का मेथड होता है चार्जिंग करने का। तो बच्चों हेडिंग लिखना मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या लिखना है? मेथड ऑफ चार्जिंग। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है, मेथड ऑफ चार्जिंग में आप लिख सकते हो बच्चों, पहले तो आप है इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग ना, चार्जिंग बाय रबिंग ना, या इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा होता है बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन ना। थर्ड नंबर होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। और मेथड होता है हीटिंग ना, हीटिंग मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं मान लो। और होता है पोलराइजेशन या फोटो इंजेक्शन ना, इस मेथड से भी चार्जिंग। लेकिन आपको बेसिकली हमें यही तीन पढ़ना है ना, तो यह चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, हीटिंग प्रोसेस से। आप कहोगे ये हीटिंग से कैसे कर सकते हो? अरे बच्चों मान लो कि हमें क्या है, कोई भी मेटल्स है और मेटल्स के अंदर जो है वह बॉन्ड बना के, यदि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बैठा हुआ, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं है, तो वह बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? आप एनर्जी देते हो, और एनर्जी जब ट्रांसफर होता है तभी तो, मतलब जब एनर्जी दोगे तो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हीटिंग मेथड से भी चार्जिंग किया जा सकता है। फोटो इंजेक्शन या सेम, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि जब क्या है, कोई मेटल्स पे हम फोटॉन्स गिराते हैं, फोटॉन गिराना दैट मींस कि एनर्जी का फॉलो कराना, और फोटॉन आएगा तो फोटॉन एक एनर्जी का पैकेट्स होता है, और उन पैकेट्स को गिरने की वजह से ना जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है, और जैसे ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना के बैठा हुआ है वो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने के बाद क्या है, मतलब मेटल से बाहर इजेक्ट होना चालू हो जाता है। तो इसको ही बोलते हैं फोटो इजेक्शन मेथड। तो इन सारे मेथड से हमें क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। चार्जिंग कहने का मतलब क्या है कि जो न्यूट्रल बॉडी है ना, मान ले कि हमें यह दोनों बॉडी है, एक और मार्कर हम लेते हैं यहाँ पे, देखना ये दोनों मार्कर है हमें, यह न्यूट्रल है। अभी न्यूट्रल कहने का क्या मतलब है, जितना पॉजिटिव इसपे होगा उतना ही निगेटिव इसमें भी, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो न्यूट्रल बॉडी है। अब हमारा मन है कि रेड वाला जो मार्कर है उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप करना है, तो इन सारे
चार्ज मेथड से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज डेवलप किया जा सकता है और कैसे करेंगे उसी को सीखना है। तो सीधा सीधा बात है कि चार्जिंग जो होता है, चार्ज का ट्रांसफर करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस ही चार्जिंग कहलाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मेथड होता है चार्जिंग करने का, जो क्या है, रबिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, हीटिंग, फोटो इंजेक्शन, ये सारा, क्लोराइजेशन भी हो सकता है ना, तो ये सारी मेथड है। लेकिन हमें तीन मेथड ही निकालना है, लिखना है, समझना है इसको, जो हमारे बुक में है और बेसिक लेवल के है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों हेडिंग लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और लिखते भी जाना। एक बात और है कि आप जब पढ़ने के लिए बैठो तो क्या है, नोट्स बनाने के लिए कॉपी भी ले लिया कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको अभी तो मजा लगेगा सुनने में, इन सारे चीजों से ही क्वेश्चन डेवलप होगा ना, एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आगे जाके आप क्वेश्चन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान रहे ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब बच्चों हेडिंग लिखना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग ना, तो ध्यान से सुनो क्या बोला जाता है। चार्जिंग बाय, हेडिंग लिखना चार्जिंग बाय रबिंग और क्या बोलता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें क्या होता है, मान लो समझो कि इसमें बच्चों एक बात और है, ध्यान से सुनना, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जैसे मान लो कि दो बॉडी आप लिए, दो ऑब्जेक्ट लिए, एक ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होता है, बैड कंडक्टर्स क्या है, सेमी कंडक्टर्स क्या है, इन सारे चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों पार्ट वन में। आप लिखना, यदि आप उन सारे वीडियो को नहीं देखे हो पार्ट वन इसका जो है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में आज का जो वीडियो है उसके लिंक में लगा देंगे, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं ना, देखो ताकि आपको फील आए कि आखिरकार क्या पढ़े हैं और क्या आज पढ़ रहे हैं। चलो अब देखते हैं बच्चों, मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, एक हमारा बैड कंडक्टर या इंसुलेटर बोल लो और एक गुड कंडक्टर है, जो कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करा सके। अब क्या है, दोनों को एक दूसरे से रब करो, फ्रिक्शन करो इस तरह से। जब फ्रिक्शन करोगे ना तो क्या होता है, हीट डेवलप होता है इसके सरफेस पे, क्या होगा, हीट डेवलप होगा। और हीट डेवलप होने की वजह से हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और हीट जो डेवलप हुआ है ना, वो दोनों सरफेस क्या करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रबिंग होने की वजह से हीट डेवलप हुआ है, उस हीट को क्या करना चालू करेगा, ऑब्जर्व करेगा। अब ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करेगा तो दोनों बॉडी के में से जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा है वह क्या करेगा, वर्क फंक्शन ज्यादा है और एक का वर्क फंक्शन कम होगा, तो जो वर्क फंक्शन जिसका कम है ना, वो क्या करेगा, अपनी बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, टूटना चालू करेगा। और टूटेगा तो जो बॉन्ड लूजली, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, जिसकी हाई वर्क फंक्शन है वो क्या, बड़ी ऑब्जेक्ट हमारा गेन करना चालू कर देता है। और जैसे ही गेन किया तो मानो क्या कि एक बड़ी दो है, देखो यहाँ पे ए बड़ी और ए बड़ी है, दोनों एक वन है और एक दूसरा है, दोनों को एक दूसरे से रबिंग कर रहे हैं ना, बोथ्स आर रबिंग Each other. एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो इसका मानो वर्क फंक्शन किसका है, वर्क फंक्शन जो है, अब वर्क फंक्शन होता क्या है, थोड़ा देर धैर्य रखे, आपको 100% हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, या यह मॉडर्न फिजिक्स की टॉपिक है बच्चों, वहां भी जानोगे, लेकिन थोड़ा इतना आपको जरूर बता देंगे कि आपको फील आएगा कि आखिरकार होता क्या है। लेकिन समझिए, वर्क फंक्शन एक नाम चीज है, अभी मतलब है वर्क फंक्शन ही समझो, इसको फाई से डिनोट किया जाता है, कोई दिक्कत क्या, इसका लो वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन क्या है, लो है। इसका वर्क फंक्शन जो है बच्चों, वर्क फंक्शन वो क्या है बच्चों, हाई है, मतलब हाई है।
वर्क फंक्शन हाई है। अब क्या है, जब दोनों को रब करोगे ना तो इसका जो अब हीट डेवलप होगा, दोनों सरफेस के बीच क्या है, हीट डेवलप ना डेवलप होगा, हीट डेवलप होगा। तो एक बात बता, दोनों सरफेस एक दूसरे से हीट डेवलप होगा तो ऑब्जर्व करेगा, हीट ऑब्जर्व करेगा। अब जिसका वर्क फंक्शन कम है वह क्या करेगा, वह जा उसकी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, तेजी से टूटेगा, और टूटेगा तो यह वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यह लॉस करना चालू करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस करेगा। जैसे ही लॉस किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बच्चों इस पे क्या है, यह गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हमारा टारगेट तो था कि कहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमें यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो लॉस कर रहा है, जो गेन कर रहा है, वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब माइंड में आना चाहिए कि वर्क फंक्शन क्या होगा। बच्चों वर्क फंक्शन जो होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड सप्लाइड सो दैट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड मान लो कि इसमें यह कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें जो मिनिमम अमाउंट का एनर्जी कितना सप्लाई करो कि इसका जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ब्रेक हो जाए, और ब्रेक हो बॉन्ड जो बना के बैठा हुआ है वो बॉन्ड ब्रेक हो, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चालू करता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट का एनर्जी होता है जिसे सप्लाई करने के बाद बॉडी क्या हो, वो अपनी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, ट्रांसफर करना चालू करता है। तो ये सारी है मेथड। तो यह हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। तो फ्रिक्शन की वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब ब्रेक होगा, और ब्रेक होने का वजह रहा कि हीट क्रिएट होगा, हीट एनर्जी, और वही हीट एनर्जी से ऐसा होता है ना। तो ये सब कहानी है, बस यह बात याद रखना है, और अपनी भाषा में जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो ना। दूसरा होता है बच्चों चार्जिंग बाय कंडक्शन ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या है, ध्यान रहे कि एक बात और बताए हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में एक बॉडी इंसुलेटर भी हो सकता है, दूसरा बॉडी कंडक्टर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि दोनों कंडक्टर हो, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि दोनों बॉडी, एक बॉडी हमारा चार्ज्ड रहेगा, दूसरा बॉडी अनचार्ज्ड रहेगा। फिगर से समझते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलिए क्या लिखोगे बच्चों, एक बॉडी हमारा चार्ज रहेगा, दूसरा बॉडी अनचार्ज रहेगा। मान ले कि यह बॉडी है हमारा एक, यह चार्ज्ड है ना, चार्ज्ड है, और दूसरा क्या है बच्चों, अनचार्ज्ड है, अभी कोई इस पे चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड, कोई दिक्कत क्या, अनचार्ज्ड है। जब दोनों को सप्लाई करोगे मतलब कनेक्ट कर दो एक वायर के थ्रू कनेक्ट करोगे, तो कनेक्ट करोगे तो चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी से, चार्ज बॉडी से क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होना चालू करेगा, और चार्ज का ट्रांसफर होगा तो अनचार्ज बॉडी पर क्या होगा, चार्ज डेवलप होना चालू करेगा, और यह तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी पे इस पर भी Q1 और इस पे भी Q2 और इस पे Q1 = Q2 ना हो जाए। मतलब क्या है बच्चों, इनिशियल में Q चार्ज था, तो यह Q चार्ज जो है वो तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों बॉडी पे सेम चार्ज डेवलप ना हो जाए। तो इसी मतलब Q1 = Q हो जाए तभी जाके हमारा क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होना रुक जाएगा। तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या है, ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू नेट जो होगा बच्चों वो क्या होगा, Q1 + Q2 के बराबर होगा, कोई दिक्कत क्या, क्यू नेट जो होगा वो Q1 + Q2 के बराबर। फिर से सुनो ध्यान से, चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक बॉडी चार्ज्ड होता है, दूसरा बॉडी अनचार्ज्ड होगा,
दोनों बॉडी को एक वायर से कनेक्ट कर दो ना, तो वायर से कनेक्ट करोगे तो चार्ज बॉडी से चार्ज का ट्रांसफर होना चालू हो जाता है अनचार्ज बॉडी पे, और ये तब तक होते रहता है जब तक कि दोनों बॉडी पे इक्वल चार्ज डेवलप ना हो जाए। इसी प्रोसेस को बोला जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये हमारा फिगर है, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों बॉडी को कॉन्टेक्ट में कर दो या एक बॉडी को या दूसरे बॉडी को वायर से कनेक्ट कर दो, लेकिन कनेक्ट करना जरूरी है ना। तो ये सारी हमारा क्या है चार्ज्ड, मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन। इतना समझ में आया बच्चों, लिखते भी जाना है। दूसरा कंडीशन है बच्चों हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ध्यान से देखना फिर उसको भी। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या होता है कि दोनों बॉडी कंडक्टर होना चाहिए, मस्ट बी कंडक्टर। मतलब एक हमारा क्या है चार्ज्ड बॉडी है ना, चार्ज नहीं न्यूट्रल बॉडी मानो, एक हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल कहने का मतलब होता है बच्चों कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो हम न्यूट्रल बोलेंगे। और एक हाईली पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाते हैं ना, या इस पे केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज है, केवल और केवल पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रॉड, रॉड है। देखना आगे जाओगे तो यह हाईली पॉजिटिव चार्ज बॉडी और कनेक्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि इसको चिपका दो, इसके चिपकना नहीं है, मतलब दूर ही रखना है। जब यह चार्ज बॉडी यहाँ पे आएगा और ये न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो देख बच्चों यह जो हाईली पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर जो भी नेगेटिव चार्ज है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर जो है वो क्या करेगा एक दूसरे से दूर भगाएगा। तो इस तरह से कंडीशन होगा, देखना यहाँ पे, यहाँ पे यह पॉजिटिव चार्ज है, हाईली पॉजिटिव चार्ज, और इसमें होगा क्या कि यह नेगेटिव चार्ज ऐसे ऐसे सेपरेट होना चालू करेगा और पॉजिटिव चार्ज दूर भागेगा रिपल्सन की वजह से, ड्यू टू रिपल्सन दूर और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। अच्छी बात है, यह सिचुएशन होगा तो एक कंडीशन आएगा कि बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हमारा पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गया ना। अब क्या है कि इन बॉडी को अब हम अर्थिंग कर देते हैं, हमारा मन है बच्चों कि इस पे हमें नेगेटिव चार्ज बनाना है, पूरा बॉडी पे नेगेटिव चार्ज रहे, पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं रहे। तो क्या करो, या अभी भी पॉजिटिव चार्ज को रखो रॉड को, और या इस न्यूट्रल जो चार्ज अभी सेपरेट हो गया है उसको अर्थिंग कर दो। बच्चों क्या करते हैं अर्थिंग, अर्थिंग इसलिए किया जाता है जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां से अर्थ से इलेक्ट्रॉन गया और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सबको न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद ऐसा कंडीशन आएगा, देखना कि यहाँ पे केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज, अभी रॉड अभी केवल पॉजिटिव चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इस तरह से, अभी रॉड को हटाए नहीं है, ध्यान से देखना, इसलिए नहीं हटाया गया कि मान ले कि यहीं पे हटा दे बिना अर्थिंग किए हुए तो लफड़ा है, फिर जाके वह मिक्स कर जाएगा, सब एक दूसरे से मिक्स करेगा और न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो सेपरेशन हुआ था अलग अलग हुआ था वो फिर एक दूसरे से चिपकेगा ना, तो इसलिए नहीं हटाए हैं। अब बताना ध्यान से देखना कि जब यह पॉजिटिव चार्ज वाले रॉड को सेपरेट करो, रिमूव करो, रिमूव करते हैं यहां से ना, रिमूव द पॉजिटिव चार्ज रॉड, रिमूव द पॉजिटिव चार्ज रॉड, तो क्या होगा देखना ध्यान से, जितना नेगेटिव चार्ज है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी सरफेस पे, मतलब अंदर में ही, ऐसा नहीं कि बाहर उठ के आ जाएगा।
तो अंदर क्या है, पूरा की पूरा यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज बॉडी मिल जाता है। अब आपके माइंड में आएगा कि नेगेटिव चार्ज, मेरा तो मन है कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप करे, तो बच्चों या रॉड जो नेगेटिव चार्ज को लाए वो नेगेटिव चार्ज का रॉड नहीं लाइए, या पॉजिटिव चार्ज का रॉड मतलब नेगेटिव चार्ज का रॉड लाओ, और हमें जैसे ही नेगेटिव चार्ज को लाओगे या रॉड, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज दूर जाएगा। अब दूर जाएगा तो फिर से अर्थिंग कर दो, और अर्थिंग करोगे तो जो भी नेगेटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव वाले रॉड रहेगा उसको अट्रैक्ट करके रखेगा, और पॉजिटिव वाले चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब क्या है, नेगेटिव वाला चार्ज फिर न्यूट्रलाइज होगा तो नीचे चला आएगा अर्थ सर्फेस में। अर्थ तो क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी माना जाता है। अर्थ को क्या माना जाता है, न्यूट्रल बॉडी माना जाता है। तो यहाँ से जो भी नेगेटिव चार्ज है वो नीचे आएगा, और फिर यह रॉड जो नेगेटिव का रॉड लिए थे तो वह रॉड को रिमूव करोगे तो जो भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूर्णता क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यदि बच्चों ध्यान से फिर सुन कि यदि हमें नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है या न्यूट्रल बॉडी पे, तो पॉजिटिव लॉर्ड लाएंगे। यदि इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो नेगेटिव रॉड लाएंगे। इस तरह की कहानी है, तो इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये छोटी सी बात है, चलो हेडिंग ले, मतलब क्या करना है इसको राइट डाउन कर लो बच्चों। राइट डाउन करने के बाद हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताते हैं, ध्यान से सुनना कि कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि इनिशियल कंडीशंस में ना इसमें Q1 चार्ज है और इसमें Q2 चार्ज है ना, न्यूट्रल। अच्छा एक बात बता कि हम बोले कि यह न्यूट्रल बॉडी है, क्या इस पे चार्ज नहीं है? चार्ज है बच्चों, यह कहना गलत है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। इसका मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है कि उस पे चार्ज ही नहीं होगा। तो हम बोले कि यह क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बना रहे हैं हम, Q1 और Q2 चार्ज है। कंडक्शन इंडक्शन का मेथड का यूज किया जा रहा है, इंडक्शन मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो ध्यान से बोलना कि ऑप्शन दे रहे हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो देखो ऑप्शन हमारा है बच्चों, एक फर्स्ट ऑप्शन है कि Q1 अपॉन Q2 जो है वो ग्रेटर होगा 1 से। बी हमारा ऑप्शन है Q1 Q2 वह ग्रेटर इक्वल 1 है। और सी ऑप्शन है बच्चों, सी Q1 अपॉन Q2 जो है वो लेसर 1 है। और डी जो है हमारा, Q1 अपॉन Q2 जो है वो लेसर इक्वल 1 है, ऐसा दिया हुआ है। अब बता कि कौन ऑप्शन सही है। तो ध्यान से सुनो अब कौन सा ऑप्शन सही है। इनिशियल कंडीशन में हम क्या बोले हैं, जब चार्जिंग बाय इंडक्शन हो रहा है तो एक तो न्यूट्रल बॉडी है और दूसरा चार्ज्ड बॉडी है, और हाईली चार्ज्ड है वो ना, पॉजिटिव का हो सकता है नेगेटिव का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज है और हाईली है। इसका मतलब क्या है कि Q1 जो है वो मस्ट बी ग्रेटर इक्वल Q2 हो सकता है ना, या तो इसके बराबर हो सकता, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, Q2 से। यदि ऐसा सिचुएशन है तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 ग्रेटर इक्वल 1। तो इस तरह से सिचुएशन है, और इनिशियल यही हमारा इंडक्शन प्रोसेस में होता है, और यही ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब भी हमें चार्ज दे और कहे कि इंडक्शन प्रोसेस का यूज करना है तो यह रिलेशन आता है Q1 अपॉन Q2 ग्रेटर इक्वल 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन से छोटी सी और कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, उसके बाद और कहानी पढ़ा जाएगा आपको, हो गया। चलो ध्यान से देखिए, अब है चलो सुनो फिर से। अब छोटा सा टॉपिक है स्पेसिफिक चार्ज, क्या है हेडिंग लिखना, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है, ध्यान से सुनो फिर से। मान लो कि बॉडी का कोई हम मार्कर लिए ना, मार्कर पर क्यू चार्ज है और इस मार्कर का मास एम है, तो चार्ज और मास का जो रेशियो होता है ना उसी को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं ना। तो क्या बोलोगे,
रेशियो ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास ऑफ बॉडी, मतलब रेशियो जो होता है चार्ज टू द मास ऑफ बॉडी, चार्ज और मास का जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलते हैं, चार्ज ऐसा भी लिख सकते हैं चार्ज प्रेजेंट, मतलब ऐसा लिखो, क्या लिखोगे, इट इज द रेशियो ऑफ, ऐसा भी अच्छे से लिख सकते हो, ऐसा लिख, क्या लिखोगे, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन द बॉडी बॉडी टू चार्ज ऑन द बॉडी ना बॉडी अपॉन मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी ना इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज ना स्पेसिफिक चार्ज। तो क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वह बच्चों होता क्या है, चार्ज अपॉन मास, क्या है, चार्ज अपॉन मास, इसी को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। यूनिट क्या होगा, यूनिट की बात सोचोगे तो यूनिट होता है बच्चों स्पेसिफिक चार्ज का यूनिट कूलम्ब और बच्चों मास का यूनिट केजी, मतलब कूलम्ब पर केजी होता है स्पेसिफिक चार्ज की यूनिट, ये सारी बात है। छोटी सी बात और देखो, एक बात और आपको रिलेटिविस्टिक थ्योरी में बताया गया था कि जब लाइट के कंपेयर में कोई बॉडी हमारा मूव करता है तो उसकी मास इंक्रीज कर जाता है। तो एक बात सोचना ध्यान से कि स्पेसिफिक चार्ज जो है वह क्या है, मूविंग पार्टिकल्स का लेसर होता है, नोट करके लिखना बच्चों, नोट, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ मूविंग पार्टिकल लेसर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ रेस्ट पार्टिकल ना, रेस्ट पार्टिकल्स होता है। तो इसका मतलब आप कहोगे ये कैसे, तो याद कर बच्चों, एक आपको फॉर्मूला बताए थे m इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये सब कहानी है। तो देखना ध्यान से, जब स्पेसिफिक चार्ज हमारा होता है चार्ज अपॉन मास, चार्ज तो कोई डिफेक्ट नहीं पहुंचाएगा जितना मास है, लेकिन जब हमें स्पीड बढ़ा दोगे ना एज कंपेयर टू लाइट के स्पीड, तो मास हमारा इंक्रीज कर जाता है, जब भी बढ़ाओगे तो मास भी बढ़ता है, जब मास बढ़ेगा तो यह टोटल क्वांटिटी घटेगा। तो इसीलिए बोले हैं कि स्पेसिफिक जो है मूविंग बॉडी का स्पेसिफिक चार्ज जो होगा वो क्या है, लेसर होता है, और मूविंग मतलब क्या, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ रेस्ट बॉडी से, तो रेस्ट रहेगा, मान लो रेस्ट में है तो उसको क्या है, मास 2 केजी है तो 2 केजी है, लेकिन जब हमारा मास जब मूव करना चालू करेगा तो मास इंक्रीज कर जाता है, और मास से जब डिवाइड करोगे चार्ज से तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, कमेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज जो होता है मूविंग पार्टिकल्स का वो लेसर होता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ रेस्ट पार्टिकल्स, ये सब कहानी है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम आपसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में सीखेंगे। क्या सीखना है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलो हेडिंग देना बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनो फिर से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में होता क्या है, जैसे मान लो कि एक तो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट चार्ज, फर्स्ट नंबर इसमें देना बच्चों पॉइंट चार्ज,
पॉइंट चार्ज से आपको डिफाइन है कि मान लो किसी बॉडी पे बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इधर उधर है, सारे चार्ज को पकड़ के एक कॉमन पॉइंट पर लेके रख दो, तो हमें क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो देखो इन दिस केस क्या लिखेंगे, इन दिस केस ऑल चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज बोलेंगे। एक पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट चार्ज बोला जाता है। अब बता, पॉइंट चार्ज के बाद एक आता है बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। और बड़े पते की बात है बच्चों, लेमडा से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, लेमडा से। जैसे मान लो कि एक रॉड है, रॉड का लेंथ हमारा एल है, कोई दिक्कत क्या, रॉड का लेंथ हमारा एल है और इसमें क्या है, रॉड का और इस पे चार्ज क्यू है, क्या है, क्यू है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होगा। इस तरह से Q upon L, यह रॉड पर चार्ज कितना Q और यह लेंथ कितना L, तो लीनियर लेमडा से डिनोट करते हैं और लेमडा इक्वल टू Q upon L। यूनिट की बात करें यहाँ पे तो यूनिट क्या लिखोगे, बोल तो चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट क्या, मीटर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो कूलम मीटर होता है, कोई दिक्कत क्या। और इस पे क्या है हमारा रॉड पे, जैसे यह रॉड बड़ा सा है और इस रॉड पर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट है लिनियरली, तो उसको हम चार्ज लेमडा क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज कितना है और उसकी लेंथ कितनी है रॉड की, तो इस तरह से लिख लिया जाता है। क्या दिक्कत है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, ध्यान से देखते रहो, अपने आप समझ में आएगा। और इन सारे चीज को आगे हम यूज करने वाले हैं ना, ऐसी फर्जी के नहीं बताया जा रहा है। चलो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, नाम से ही डिफाइंड है कि पूरे एरिया पे, और सबसे बड़ी बात है एक बात और सीखो यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है ना वो बच्चों हम 1D के लिए यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि 2D में यूज कर देना। 1D कहने का मतलब है वन डायमेंशनल फिगर होना चाहिए ना, और वन डायमेंशनल में हम इसको यूज करते हैं। अब बच्चों तीसरा टॉपिक है हमारा एरियल ना, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। जैसे मान लो कि एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह की कहानी है। इसमें क्या है, पूरे हमें सरफेस पे हमें क्या है, अंदर में चार्ज है कि बाहर, एक बात बता, पूरी सरफेस पर चार्ज इस तरह से है, इस तरह से पूरा सरफेस पे चार्ज है, कोई दिक्कत क्या, इस तरह से। अब मानो ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव है, हो सके कि पूरा निगेटिव, ऐसा भी हो सकता है, क्या दिक्कत है। तो एरियल को डिफाइन करने के लिए सिग्मा यूज करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ए हमारा एरिया होगा किसका, जो ऑब्जेक्ट पे चार्ज हमें डिस्ट्रीब्यूट है, जैसा सेफ है वैसा। तो हमें 2D के लिए एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 2D फिगर के लिए यूज करते हैं ना, 2D डायमेंशन का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा और उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी एरियल एरिया पे, तो क्यू अपॉन ए बोलते हैं। यूनिट की बात करेगा तो क्या लिखोगे, कूलम मीटर स्क्वायर किसका, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। उसी तरह हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना, डिस्ट्रीब्यूशन
और बच्चों इसको हम रो से नहीं रो से डिनोट करते, इसको सिग्मा से तो इसको रो से। याद कर फिर से कि मान लो कि यह हमारा बॉडी है और इसमें पूरा अंदर पॉजिटिव चार्ज है, पूरा इस तरह से, कोई दिक्कत क्या? पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे है, ना इस तरह से। अब ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है रो इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन वी, माना क्या है पूरा वॉल्यूम है। अब बताओ कि क्यू अपॉन वी जो है वह हमारा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट जो होगा बच्चों वह क्या है, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, कूलम अपॉन मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं बच्चों, क्यूबिक मीटर, क्योंकि वॉल्यूम है ना, और यह मीटर स्क्वायर होगा इस तरह से। तो ये छोटा छोटा टर्म था, इसको ध्यान रखना, काम का चीज है ना, इसका हम यूज करेंगे। और साथ ही इसमें हम 3D के लिए यूज करते हैं, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2D में यूज करते हैं, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1D के लिए यूज करते हैं ना। अब चलो एक क्वेश्चन सीखते हैं यहाँ से, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होने के बाद देखो ये क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखना ध्यान से, मान लो बच्चों कि हमारा एक रॉड है इस तरह से, कोई दिक्कत क्या? इस रॉड पे हमें कौन सा नेचर का चार्ज है कोई मालूम नहीं है ना, कितना चार्ज है वह भी मालूम नहीं है। लेमडा दिया गया है 2R, क्या दिया गया है 2R, और इसका जो लेंथ जो है ना वो 2 मीटर दिया हुआ है। लेंथ कितना है रॉड का, 2 मीटर। R जो दिया हुआ है वह क्या है, R जो है इस साइड से लेके इस साइड का लेंथ, मतलब ऐसे यहां से बढ़ोगे तो हर पॉइंट पे R चेंज होते रहेगा, और ये R कितना वेरी करेगा, 2 मीटर तक वेरी करेगा, मतलब 0 से 2 मीटर तक ये R वेरी। मान ले कि इस पे कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा, इस पे कुछ और, इस तरह से। अब बताओ कि इस पे हमें चार्ज मालूम करना है, तो कैसे मालूम करोगे? अब बताओ कि इस पॉइंट पे आओगे तो कुछ और चार्ज, इस पॉइंट पे आओगे तो कुछ और चार्ज, इस पे आओगे, इस पे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा 0 से 2 मीटर की तरफ, जो एंड की तरफ जाओगे तो आर भी चेंज होगा, और आर चेंज होगा तो ऑटोमेटिक, मान ले एकदम छोटू सी पार्ट है तो उस पे कम चार्ज, थोड़ा सा और बढ़ा उस पे ज्यादा, फिर बढ़ाए ज्यादा, इस तरह से बढ़ता जा रहा है तो चार्ज भी बढ़ेगा। अब लिनियरली तो ऐसा है नहीं कि आप टोटल मान लो कि क्यू चार्ज है उसको कैलकुलेट कर दो, ऐसा थोड़ी भी है। वो चार्ज जो है डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ रहा है। ऐसे सिचुएशन में बहुत बड़ा संकट है, आप चार्ज डिफाइन नहीं कर पाओगे कि यह लिनियर चार्ज डेंसिटी इसका कितना हो, मतलब इस पे चार्ज कितना होगा एक्यूरेट, वो आपको मालूम ही नहीं चल पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन जब भी आए ना बच्चों, तो आपको सांप का याद होना चाहिए। सांप कहने का मतलब है इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और इंटीग्रेशन आएगा तो आराम से। इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स को अलग कर दे, मान ले कि मार्कर को हर इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर दे, और इनफाइनाइट पार्ट को यदि जोड़ना हो तो मैथ्स में बोला गया कि सारे को इंटीग्रेट कर दीजिए, सारे पॉइंट को मार्कर का अपना, फिर से वो कंबाइंड हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, रॉड के एकदम छोटू सी पार्ट पे जाके हम चार्ज मालूम करेंगे, और उस चार्ज को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ऑटोमेटिकली जो होल रॉड पर कितना चार्ज है वो मालूम चल जाएगा। तो चलो ऐसे बनाते हैं। मान लो बच्चों कि यहां से r डिस्टेंस दूर हम क्या करते हैं, एक dr लेंथ का स्ट्रिप कट करते हैं, एकदम dr लेंथ का एकदम छोटू सा। तो इसमें जो चार्ज होगा वो एकदम छोटा सा चार्ज होगा, dq चार्ज होगा। क्या फिर से देखना, r लेंथ दूर जाके, मतलब हम क्या किए, r लेंथ दूर पे जाके एक dr थिकनेस का स्ट्रिप कट किया जाएगा ना। स्ट्रिप कहने का मतलब है पार्ट कट किए, और यह पार्ट जब छोटा सा पार्ट कट किया गया है तो ध्यान से बता कि इस पे एकदम छोटा सा ही चार्ज होगा, क्या दिक्कत है? तो छोटा सा चार्ज। अब बताओ कि यह छोटे से चार्ज जब इतना पार्ट पे है, तो जब इन सारे बड़ा पूरा टोटल चार्ज इस पे रॉड पे निकालना हो तो क्यों ना इंटीग्रेट कर देंगे, आराम से निकलेगा। अब देख क्या क्या है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल, यही सीखे, अच्छी बात है। तो
तो लेमडा हमें मालूम भी है कि 2r है ना, तो लेमडा कितना है माइनस का 2r। चलो या dq कितना, q के जगह पर क्या लिखोगे dq, और dq इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा छोटा सा चार्ज है। l क्या लोगे इस समय, l जो है बच्चों वह कितना है हमारा एकदम छोटा सा dr, dr के टर्म में। तो यहां बताओ, अब ऐसा मत करना कि 2l लिख दे, 2r नहीं, 2 मीटर नहीं देंगे, क्यों, किंतु तो छोटा सा चार्ज पर ना देख रहे हैं अभी, तो छोटे से चार्ज की ही बात करेंगे। चलो हो गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो dq इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिखोगे माइनस का 2r dr। अब क्या है, टोटल चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन जब यूज होगा तो चार्ज क्या है, अब लिमिट कैसे लेंगे, देख तो यहाँ पे ना, यहाँ पे जब इनिशियल पॉइंट पर चार्ज जीरो था तो लेंथ भी जीरो मानेंगे, जब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ेगा, तो फाइनली चार्ज, और यहाँ पे 2 मीटर अपर लिमिट क्या लोगे 2, लोअर लिमिट 0, ये सब कहानी है। अब चलो, जब ऐसा है, जब याद कर कि dx को जब इंटीग्रेट करते थे तो x मिलता था, यहाँ क्या है dq है, तो dq को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा q मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों q, और लिमिट क्या लिखोगे 0 से q, कैपिटल q, बाद में पुटअप करेंगे, यहाँ पे माइनस 2 बाहर निकाल दो, कांस्टेंट टर्म है, r और dr है, और 0 2 है ना लिमिट है। अब याद कर फिर से, जब इंटीग्रेशन हमारा एक्स स्क्वायर डीएक्स है या x का पावर n रहता था तो इंटीग्रेट क्या करते थे, n प्लस 1 और जो पावर है उसी से डिवाइड कर देते थे, तो यही हमारा इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे बोल तो फिर से, यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं q, कैपिटल q, माइनस का 0 पुट कर दो, यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस 2, और जब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आर स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 2 या 2 से या 2 गायब, क्या लिखोगे q इक्वल टू लिमिट पुट करो 4 0, तो अब क्या लिखोगे q इक्वल टू 4 माइनस का c कूलम, तो डॉट पर कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज माइनस का 4 कूलम होगा। कोई दिक्कत क्या, ध्यान से देखो, समझ में नहीं आए तो बच्चों जरूर से क्या करो, अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और देख पूछो कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो अब क्या है, इसको ध्यान से देखो, बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है इसमें, तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लो बच्चों। एक और छोटी सी बात आता है आपको, यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे चार्ज और मास में डिफरेंस पूछता है, तो चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, इन सारे डिफरेंस को भी सीख लेते हैं ना, तो हेडिंग लिखना डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। बच्चों हेडिंग क्या लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, हो गया। चलिए हेडिंग लिखना है डिफरेंस बिटवीन चार्ज और मास, इधर चार्ज लिखेंगे और बच्चों इधर मास लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, सोच के बोलो, अब जितना पढ़ चुके हो आप बता सकते हो, चार्ज जो है बच्चों नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बच्चों वह क्या है, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब क्या है चार्ज, चार्ज मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा इसी में क्या लिखोगे बच्चों, मास में, मास हमेशा पॉजिटिव होगा, मास कभी नेगेटिव नहीं होता, तो बच्चों हम लिख सकते हैं मास ऑलवेज, मास क्या होगा बच्चों, मास ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, मास क्या है ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दूसरा बात है, दूसरा बात क्या लिखोगे, चार्ज जो है ना वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज को कितना भी स्पीड से फेंक दो उससे क्या मतलब है, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो चार्ज जो होता है बच्चों, चार्ज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा क्या है बच्चों, मास जो होता है, मास डिपेंड्स होता है
डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। मतलब क्या है, जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास भी बढ़ता है ना, मास भी बढ़ता है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसी कोई कहानी नहीं है। अगला पॉइंट है बच्चों, चार्ज जो होता है ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड करने का मतलब है, मान ले कि दो एक बॉडी है मार्कर और दूसरा बॉडी है, इनिशियल चार्ज इस पे 2 कूलम है तो फाइनली भी इस पे 2 कूलम, मतलब दोनों को चार्ज ट्रांसफर कर दो तो इनिशियल मतलब चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मतलब इस पे जितना चार्ज अभी है बाद में भी उतना भी चार्ज रहेगा, ट्रांसफर कर दो तो ऐसा है। मान ले कि इस पे 2 कूलम चार्ज है, इस पे हर पॉइंट पर 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, तो यह टोटल चार्ज कर लो। इसमें भी मान लो कि 3 पॉइंट है, इस पे 1 2 और इस पे कितना होगा, इस तरह से निकाल लेंगे हम, मालूम करते हैं। और यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको हम बताए हैं, पीछे जाके फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो कि क्या होता है, वहां अच्छे से समझ में आएगा क्या हो। तो बच्चों थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, चार्ज जो होता है ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, कंजर्व्ड ना। लेकिन बच्चों चार्ज के साथ साथ मास की बात करें तो मास जो होता है, मास इज नॉट कंजर्व, मास को आप कंजर्व नहीं कर सकते हो, मास इज नॉट कंजर्व्ड, हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या सोच रहे हो बोलो तो, मास जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच ना हमेशा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों हो सकता है, मतलब चार्ज पार्टिकल्स के बीच क्या होगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स होगा, मतलब फोर्स जो होगा, फोर्स एक्ट अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव ना, अट्रैक्टिव एंड क्या होगा बच्चों, रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव ना। लेकिन मास के साथ हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, फोर्स जो होगा, फोर्स इज ऑलवेज ऑलवेज अट्रैक्टिव ना, ऑलवेज अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्टिव नेचर का होता है, कभी मान लो कि दो मास एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा। लेकिन चार्ज में है कि चार्ज में यदि लाइक चार्ज ले आओ, लाइक चार्ज कहने का मतलब है दोनों चार्ज सेम नेचर का, मान ले ऐसा है दोनों गर्ल्स है तो क्या हमेशा दुश्मनी होगी, एक गर्ल्स और एक बॉयज है हमेशा प्यार, तो जब लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सन, अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्शन, ये सब कहानी है, ये सब कहानी आपको हो सके तो क्या है, इन सारे चीज को छोटे छोटे चार्ज मतलब चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं आज की वीडियो में, उसको ध्यान से आप समझने का कोशिश करना, यदि ना समझ में आए बच्चों तो 100% नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सीखने का कोशिश करो, आप कमेंट करोगे 100% रिप्लाई मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि रिप्लाई नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, अगला टॉपिक हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ, और यह कूलम्स लॉ जो है इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाले, मतलब बहुत सारा क्लास, 3-4 क्लास हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाया जाएगा। अब यहाँ कूलम्स लॉ का एक बहुत बड़ा रोल है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो ऐसा नहीं है कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर जगह क्वेश्चंस पूछता है, वो बोर्ड हो, जेई मेन हो, नीट हो, हर जगह इससे हम क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगले क्लास में हम इन सारे टॉपिक को जो कूलम्स लॉ है उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो तब तक आप फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को जरूर देख के आए, ताकि हम उसका जो भी कॉन्सेप्ट यूज करें तो आपको ऐसा नहीं लगे कि मास्टर क्या बोल रहा है, आपको ऊपर से नहीं जाना चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा, देख के आइए ताकि आपको अगले क्लास 100% समझ में आएगा। चलो बच्चों अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, दैट्स इट।